सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो जनरली हमारे जो कॉलेज काउंसलर, जो हमारा नया चैनल है उससे रिलेटेड, और हमारा फोबी इंजीनियर्स पे भी हम कुछ नई चीजें स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे अनाउंसमेंट हम आपसे करने वाले हैं। ज्यादा ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, बहुत ही कम टाइम में हम चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जनरली गाइज, हमारे जो फोबी इंजीनियर्स जो चैनल है, इस पे जो भी टेक्निकल चीजें मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए जो भी चीजें पढ़ाता था, जनरली वो सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। एक दो सब्जेक्ट बचा हुआ है, जनरली कहा जाए तो 10-20 लेक्चर और है। उसके बाद जो भी हमारा मैकेनिकल में जो सब्जेक्ट्स है, जो मैं अपना एम रखा था कि इस चैनल पे मैं इस तरीके से चीजें रखूंगा और ये सब चीजें मुझे कंप्लीट करना है, तो टेक्निकल की चीजें जो एज अ मैकेनिकल डिपार्टमेंट मुझे पढ़ाना था, वो सारी चीजें मैं लगभग पढ़ा चुका हूँ। SSC JEE की तैयारी में करवा रहा था, तो दो सब्जेक्ट बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेट 20 लेक्चर्स, उसके बाद हमारा ये काम भी खत्म हो जाएगा। तो लॉकडाउन में काफी ज्यादा मैं बैठा था, कुछ वीडियोस भी मेरे बड़े कम आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था इस पे कि और क्या काम किया जाए। फिर मैंने नया कॉलेज काउंसलर जो चालू किया, उसमें कॉलेज रिव्यू देना स्टार्ट किया, तो उस चैनल को मैं इससे कनेक्ट करके थोड़ा सा चीजों को, दोनों चैनल को साथ में लेकर मैं चलूंगा। तो अनाउंसमेंट ये है, सबसे पहला तो फोरबी इंजीनियर्स चैनल की बात कर लें, तो यहाँ पे जॉब अपडेट से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो जनरली अभी तक जो जॉब अपडेट मैं देता था आपको, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल का जॉब अपडेट देता था, और कभी कभार मैं सिविल से रिलेटेड जॉब अपडेट आपको देता था। बट आज से गाइज, जनरली आज से मैं आपको मैकेनिकल के साथ साथ जो बाकी के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हैं, सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो, CSIT हो, और कहा जाए ऑल अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस की जो भी जॉब आएंगे मार्केट में, मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले अपने इस चैनल पे अपलोड करने की। डिप्लोमा ITI से ऑल ब्रांच से रिलेटेड जो भी जॉब आएगा मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। इससे पहले मैं डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए ही जॉब आप जनरली आपके सामने यहाँ पे इस चैनल पे मैं डालता था, बट अब से सारे डिप्लोमा के ब्रांचेस के जो भी जॉब मार्केट में आएंगे, मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले आप तक वीडियोस पहुंचाने के लिए। करना कुछ नहीं है गाइस, सिर्फ सब्सक्राइब जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको, उसको प्रेस कर लेना है। उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जो भी अपडेट वीडियोज में डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आगे की बात किया जाए तो MBA, MTech, PhD से रिलेटेड जो भी जॉब्स आएंगे उसके बारे में भी हम इस चैनल पे आपको अपडेट देते रहेंगे। BSc, MSc से रिलेटेड जॉब आते हैं उनसे भी रिलेटेड आपको इस चैनल पे अपडेट देते रहेंगे। बी फार्मा, एम फार्मा से रिलेटेड भी काफी सारे मेरे पास अपडेट्स आते हैं, उससे रिलेटेड भी ये सब चीजें आपको मैं इस चैनल पे दूंगा। और जो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, जनरली हर तरीके के जॉब अपडेट मैं इस फील्ड में आपको देने वाला हूँ। गाइज, मेरे पास सिर्फ मैकेनिकल का जब मैं अपलोड करता था तो मेरे पास काफी कमेंट्स आते थे, वीडियोस में भी कमेंट्स आते थे, सर हमारे इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी जॉब दीजिए, सर डिप्लोमा वालों के भी, सर MBA वालों के लिए भी कुछ जॉब बताइए। तो फिर फाइनली मैं ये लॉकडाउन में थोड़ा सा बहुत सोचा, काफी अपडेट तो मेरे पास आते रहते हैं, सूत्रों से जो भी अपडेट्स वगैरह है मेरे पास आते रहते हैं, तो फिर जब आ ही रहे हैं सारे क्या, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे सारे शेयर करूँ। एक्चुअली गाइज, चैनल जो हमारा था वो मैकेनिकल पे ही सिर्फ काम करता था, तो मैंने सोचा था सिर्फ मैकेनिकल की चीजें ही करेंगे, बट टेक्निकल पार्ट तो चलो ठीक है, मैकेनिकल का मैं कर लिया, बट हाँ जो बाकी जॉब से रिलेटेड चीजें हैं ये सब अपडेट तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, और सिर्फ मैकेनिकल ही नहीं अदर ब्रांचेस भी। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ये वीडियो, और उन्हें भी बताएं इस चैनल पे आज से आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इंजीनियरिंग फील्ड से डिप्लोमा, ITI, MBA किए हो, MTech किए हो या कर रहे हो, PhD किए हो या कर रहे हो, BSc, MSc किए हो चाहे कर रहे हो, एम फार्मा किए हो चाहे कर रहे हो, आपको उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब है हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। आगे बात करते हैं तो कॉलेज काउंसलर जो हमारा जो नया चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। जनरली मैं इसको फोरबी इंजीनियर से कनेक्ट कर रहा हूँ, और क्योंकि थोड़ा सा ग्रोथ कम है जो टॉपिक मैंने जनरली लिया है इस पे गाइज, जो कॉलेज काउंसलर है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, IIT कॉलेज हो चाहे NIT कॉलेजेस हो, उससे रिलेटेड कॉलेज को मैं रिव्यू करने वाला हूं, और उस कॉलेज को बकायदा मैं जो 10 कैटेगरीज में मैं उसको पॉइंटिंग करूंगा। आपका फीडबैक यहां पे बहुत जरूरी है। मैं जो कॉलेज का रिव्यू करने वाला हूं, हर टाइप के कॉलेज, हर स्टेट का जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, या फिर पहले तो मैं टॉप 10 कॉलेजेस, हर स्टेट का जो टॉप 10 कॉलेजेस है उसके बारे में मैं बात करूंगा, उसको रिव्यू करूंगा, और रिव्यू पॉइंट्स जो मैं आपको दूंगा 50 में से जनरली मैं उस कॉलेज को पॉइंट्स दूंगा, उसके अकॉर्डिंग उस कॉलेज की कौन क्या है उससे रिलेटेड हर एक चीज, क्या अच्छा है क्या नहीं है उससे रिलेटेड चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे, और पॉइंटिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर आप कॉलेजेस चूज करोगे तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। आप BTech कंप्लीट करके MTech करना चाहते हो ना, तो MTech करना चाहते हो तो आफ्टर 12th, विच इज गुड फॉर यू,
ट्वेल्थ के बाद आपको कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा होगा, ये सब का भी गाइड आपको दूंगा। तो अपने जो आपके भाई बहन हो जो अभी ट्वेल्थ पास आउट हो रहे हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स में जान पहचान है, तो उनको ये जरूर वीडियो शेयर करना और कॉलेज काउंसलर या हमारा फोरबी इंजीनियरिंग चैनल के बारे में जरूर बताएं, और उससे आपको गाइड मिलेगा कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके स्टेट में अच्छा है। आफ्टर डिप्लोमा और आईटीआई क्या आपके लिए सही रहेगा, आपका बीटेक करना सही रहेगा या आईटीआई के बाद डिप्लोमा करना सही रहेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट जॉब की तैयारी करना चाहिए, प्राइवेट जॉब की तैयारी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी मैं आपको गाइड करूंगा। एमटेक वीएस एमबीए, आपको आफ्टर बीटेक एमटेक करना है चाहे एमबीए करना है, इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा। एमटेक में कौन सा ब्रांच आपको लेना चाहिए, जो माहौल अभी चल रहा है 2020 कैसा माहौल जो चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा एमटेक में कौन सा आपको ब्रांच लेना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करूंगा। कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, हर एक कॉलेज स्टेट के टॉप 10 कॉलेजेस का पहले तो मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, और जनरली मैं अपने खुद के स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश से स्टार्ट कर रहा हूं, जनरली कहा जाए तो अपनी सिटी से स्टार्ट कर रहा हूं, और जनरली मैं सिटी की बात कर रहा हूं, सिटी के टॉप 10 जो कॉलेजेस हैं उससे मैं आपको वीडियोस स्टार्ट करूंगा बनाना। तो मैं भोपाल का हूं तो भोपाल के टॉप 10 जो कॉलेजेस हैं उससे मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका हूं, 4-5 वीडियो में बना लिया हूं, उसको मैं आप फोरबी इंजीनियर चैनल पे भी अपलोड करूंगा, क्योंकि ट्रैफिक मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा चाहिए, इसलिए मैं इस चैनल को कनेक्ट कर रहा हूं उससे, और दोनों में एक्चुअली वीडियोस मैं डालूंगा, बट देखते हैं। और एमटेक भी आप आफ्टर बीटेक आपके लिए एमटेक करने के लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, उस कॉलेज का बेस्ट ब्रांचेस क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बेस्ट ब्रांच आफ्टर ट्वेल्थ या बीटेक के लिए कौन सा बेस्ट ब्रांच होगा, एमटेक करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो, कॉलेज कौन सा बेस्ट रहेगा, ये सब हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा गाइज आपके फ्यूचर के लिए, क्या आपको कौन किस तरीके का वे चाहिए, कहाँ पे डिमांड है, उससे रिलेटेड आपको गाइड करूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा गाइज, आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मिल जाएगा, आप हमसे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड, कहीं दिक्कत आता है, कॉलेज से रिलेटेड दिक्कत आता है, तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें, आपके लिए मैं ऑलवेज तैयार हूँ। और आपका डीएम में हर एक बंदा जो भी मुझे मैसेज करता है टेलीग्राम पे हो चाहे इंस्टा पे हो, मैं कोशिश करता हूँ सबकी रिप्लाई देने का। नाउ जो टॉपिक कवर्स करने वाले हैं, खासकर मैं कॉलेजेस का जो मैं चीज़ें बनाया हूँ, स्टार्टिंग में कॉलेज किस टाइप का है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कौन कौन से कॉलेज के अवेलेबल कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो भी ट्रूथ, आपको ट्रूथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे कॉलेजेस बोलते हैं आईआईटी करना में इतना मार्क्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको ट्रूथ बताऊंगा कि पैसा फेंको तमाशा देखो वाला हाल, ठीक है। गूगल में क्या रैंकिंग है, बहुत कॉलेज की तो रैंकिंग होती ही नहीं है, तो ठीक है। रेटिंग जो है इस 10 टॉपिक पे मैं जनरली रेटिंग करने वाला हूँ, और आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो और आप चाहते हो अपनी इंटरेस्ट हो आप अभी अपने कॉलेज के बारे में फीडबैक शेयर करने के लिए, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप ये जो 10 टॉपिक है इस 10 टॉपिक के बारे में आप नंबरिंग कर सकते हो, और एक छोटा सा मैसेज आप लिख देना अपने कॉलेज से रिलेटेड, अच्छा हो खराब हो कुछ भी लिखना चाहो लिख देना गाइस, इससे हेल्प मिलेगा मुझे भी चीज़ें, क्योंकि जो भी मैं कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें बना रहा हूँ वो आपके फीडबैक फॉर्म जो भी आप चीज़ें दे रहे हो मुझे, वो फीडबैक फॉर्म, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म, थोड़ा बहुत मीडिया रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस और इंटरनेट की हेल्प से मैं चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जरूर नीचे जाके पार्टिसिपेट करें, 10 चीज़ें में करें, और फीडबैक अपने कॉलेज का जरूर दें ताकि आने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके। तो गाइस यही कुछ हमारी यहाँ पे स्पेशल अनाउंसमेंट था, जिसमें हम आपको बताने वाले थे कि हम कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएंगे, जॉब अपडेट में हम लगभग सारे ब्रांच को कवर करने वाले हैं कल से, और बस यही कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो आपसे डिस्कस करने वाले। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें जो मैं नया चालू करने जा रहा हूँ आई थिंक आप सपोर्ट करोगे, आपका सपोर्ट ही आगे बढ़ाएगा और चीज़ों को और बेहतर बनाएगा। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और कल से वेट कीजिए सारे रिक्रूटमेंट के लिए। जय हिंद।